इस बार के पद्मश्री पुरस्कार मिलने वालों की सूची में एक नाम रामचंद्र मांझी का भी है। बिहार में छपरा जिले के नगरा के रहने वाले रामचंद्र मांझी एक चर्चित लोक कलाकार हैं। 94 साल की उम्र में उन्हें केंद्र सरकार ने पद्मश्री अवार्ड देने का ऐलान किया तो उनकी आंखें छलक आईं। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले लोक कलाकार भिखारी ठाकुर के साथ काम कर चुके रामचंद्र मांझी का लौंडा नाच की परंपरा को नई पीढ़ी में पिरोने में अहम योगदान रहा है। लौंडा नाच बिहार की प्राचीन लोक कलाओं में से एक है। ये नृत्य नाटिका की एक लोक विधा है। इसमें लड़के लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर मेकअप कर उन्हीं की तरह डांस करते हैं। शादी विवाह और बाकी शुभ आयोजनों पर लोग अपने यहाँ ऐसे आयोजन कराते हैं। आज समाज से लौंडा नाच कहीं गायब होता जा रहा है। अब गिने चुने ही लौंडा नाच मंडलियां बची हैं जो इस विधा को जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन उनकी भी हालत बहुत खराब है। नाच मंडली में बहुत कम कलाकार बचे हैं, लेकिन बिहार में लोग आज भी लौंडा नाच खूब पसंद करते हैं। 94 साल के होने के बावजूद भिखारी ठाकुर रंगमंडल में रामचंद्र मांझी आज भी मंच पर जमकर थिरकते हैं और अभिनय करते हैं। रामचंद्र मांझी ने 10 साल की उम्र से भिखारी ठाकुर के साथ डांस ग्रुप में काम करना शुरू किया था। भिखारी ठाकुर के साथ उन्होंने साल 1971 तक काम किया। रामचंद्र मांझी जिस कला के लिए जाने जाते हैं, एक वक्त बिहार में उसका डंका बजता था। बदलते वक्त के साथ डीजे और ऑर्केस्ट्रा ने भले ही अपनी अलग पहचान बना ली हो, मगर आज भी कला के लाखों कदरदान हैं। रंगमंच पर नाट्य कला की इस विधा के माहिर रामचंद्र आज कई कलाकारों के गुरु हैं। रामचंद्र मांझी को केंद्रीय संगीत नाटक अकेडमी द्वारा संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। ये अकेडमी पुरस्कार 1954 से हर साल रंगमंच, नृत्य, लोक संगीत, ट्राइबल म्यूजिक सहित कई अन्य क्षेत्रों में दिया जाता है। उन्हें राष्ट्रपति के हाथों प्रशस्ति पत्र और 1,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी दी गई थी। पद्मश्री के लिए उनके नाम की घोषणा पर उन्होंने खुशी जाहिर की, कहा कि उनके जैसे कलाकार को सरकार ने बड़ा सम्मान दिया है। ये उनके सम्मान के साथ भिखारी ठाकुर की कला का भी सम्मान है। पद्मश्री अवार्ड के लिए उनका चयन होने पर छपरा के लोक कलाकारों के बीच खुशी का माहौल है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।